ओमो नमः शिवाय। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ज्योतिष शास्त्र में 30 अक्टूबर 2023 को एक बड़ा ग्रही बदलाव होने वाला है, तो इसका मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, 30 अक्टूबर 2023 को ज्योतिष शास्त्र के प्रमुख छाया ग्रह राहु और केतु का महापरिवर्तन होने वाला है। ये दोनों प्लैनेट अपनी राशि को बदल रहे हैं। राहु देव मेष राशि को छोड़कर मीन राशि में प्रवेश करेंगे, वहीं केतु तुला राशि को छोड़कर कन्या राशि में प्रवेश करने वाले हैं। और साल 2023 का सबसे बड़ा ग्रही बदलाव यही है, और काफी लंबे समय तक यानी 30 मई 2025 तक ये दोनों ग्रह इन्हीं राशियों में रहने वाले हैं। तो इसका वातावरण के ऊपर और सभी 12 राशि वाले जातकों के ऊपर प्रभाव पड़ने वाला है। तो इसका मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव दिखाई देगा, हम आपको जानकारी देने वाले हैं। मिथुन राशि के जातकों, एक तो राहुदेव चांडाल योग की समाप्ति कर रहे हैं, यानी राहु और बृहस्पति का जो चांडाल योग बना हुआ था वो समाप्त हो रहा है। और दूसरा, मेष राशि राहु की आकारक राशि है, तो अपनी आकारक राशि को छोड़कर राहुदेव बृहस्पति की राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में किन किन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण और गहरे बदलाव को निर्मित करेंगे, इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देंगे। देखिए, पौराणिक मान्यता के अनुसार राहु और केतु एक ही शरीर के दो हिस्से हैं, यानी स्वर भानु नाम के दैत्य के दो हिस्से हैं। सिर का ऊपरी हिस्सा राहु है और सिर का निचला हिस्सा केतु है। राहु के पास शरीर के कोई भी इंद्रिय यानी कोई भी अंग नहीं है, इसकी वजह से इसे अच्छे और बुरे का कोई भी ज्ञान नहीं है। लेकिन ये ग्रह इतना शक्तिशाली और पावरफुल है कि सूर्य और चंद्र को भी ग्रहण लगा सकता है, ग्रहण लगाने की क्षमता रखता है। राहु पूर्व जन्म के बंधन को भी दर्शाता है, और जिस भी ग्रह के साथ बैठता है उसी ग्रह के जैसा फल देने लगता है। जिस राशि में बैठता है उस राशि के स्वामी के अनुसार भी फल देने लगता है। राहु का बलवान प्रभाव जातक को बहादुर बनाता है, निडर बनाता है। कुंडली पर बली राहु के प्रभाव से फिल्म इंडस्ट्री, मीडिया लाइन, राजनीतिक जीवन, सामाजिक क्षेत्र और विदेश में काफी बड़ी सफलता मिलती है। राहु का यदि शुभ प्रभाव हो तो अचानक जातक को शेयर मार्केट, सट्टा बाजार में लाभ होता है, और अचानक से व्यक्ति को रंक से राजा भी राहु बना सकते हैं। राहु का बुरा प्रभाव जब होता है तो व्यक्ति के जीवन में आलस्य की स्थिति, अज्ञात भय की स्थिति बनती है, शराब की लत देने लगते हैं, बदनामी होती है, और कोर्ट कचहरी जैसे मुद्दों में केवल धन का नुकसान होता है लेकिन जीवन में विजय कभी नहीं मिल पाती है। केतु जातक को शुभ होने पर मोक्ष, वैराग्य, दर्शन शास्त्र, अनुसंधान के क्षेत्रों में विशेष सफलता दिलाते हैं। और केतु जब जीवन में खराब होते हैं तो आत्मघाती विचार शरीर में उत्पन्न होता है, मन में उत्पन्न होता है। महिलाओं में समस्याएं, माहवारी की समस्याएं होती है, शरीर में त्वचा जनित बीमारी, इन्फेक्शन होने लगता है, ब्लड जनित रोग भी केतु के पीड़ित होने पर परेशान करता है। तो हमने आपको राहु और केतु से जुड़ी हुई कुछ खास और सटीक जानकारी अब हम आपको दी है। ये जानकारी हम आपको इसलिए दिए हैं ताकि आप इस राशिफल को समझें तो आपके जीवन में सटीक बैठे और इसको आप अच्छी तरह से अवलोकन कर पाएं, अच्छी तरह से समझ पाएं। तो फलादेश को हम प्रारंभ कर रहे हैं। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यह फलादेश चंद्र राशि के ऊपर आपकी आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। मिथुन राशि के जातकों, राहु आपके राशि के एकादश भाव को छोड़कर 30 अक्टूबर को आपके दशम भाव में प्रवेश करेंगे, वहीं केतु आपके पंचम भाव को छोड़कर आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश करने वाले हैं। दशम भाव पर राहु की मौजूदगी दशम भाव से कर्म, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं, और दशम भाव पर राहु की जो मौजूदगी है ये आपके जीवन में काफी सफलता और उपलब्धियों को देने वाली है। क्योंकि गोचर में दशम भाव पर जब भी राहु आते हैं तो मजबूत व्यक्तित्व के साथ साथ कई प्रकार की उपलब्धि जीवन में देते हैं। तो सबसे पहले तो मिथुन राशि वाले जातकों, हम आपको बता देना चाहते हैं, राहु आपकी पंचम दृष्टि से आपकी राशि के धन भाव को देखने वाले हैं 30 अक्टूबर के बाद।
सप्तम दृष्टि से आपके सुख भाव को देखने वाले हैं और नवम दृष्टि से आपके राशि के रोग भाव को प्रभावित करने वाले हैं, देखने वाले हैं। सबसे पहले मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में यह सफलता आपको देंगे। दशम भाव पर मजबूत अवस्था में मौजूद राहु आपके वाणी और व्यक्तित्व में काफी आकर्षण को बढ़ाएंगे। इसकी वजह से आपका जो नाम है, जो आपका ओहदा है, जो आपका व्यक्तित्व है, वो करियर के मामले में चार चांद लगा देगा और आपको मनोवांछित सफलता भी जीवन में देने वाला है। पिछले समयावधि में यदि आपके जीवन में ज्यादा प्रयास करने के बावजूद भी आपको विदेश में सफलता नहीं मिल रही है, फिल्म इंडस्ट्री, मीडिया लाइन, राजनीतिक क्षेत्र, ड्रामा का क्षेत्र या ऑटोमोबाइल के सेक्टर में यदि आप सफलता अर्जित नहीं कर पा रहे हैं, तो इस समयावधि में आपको विशेष उपलब्धि राहु कर्म भाव पर मौजूद होकर देने वाले हैं। इस समयावधि में मिथुन राशि के जातकों के जीवन में राहु आपको मान सम्मान भी दिलवाएंगे, आपके व्यक्तित्व में भी काफी चार चांद लगवाने वाले हैं, आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और आपको मान सम्मान भी मिलने वाला है। उसके साथ साथ आपके जीवन में आर्थिक मामलों के लिए समय बहुत ही बेहतर है। पंचम दृष्टि आपके राशि के धन भाव पर पहुंचने वाली है। इसकी वजह से आप पाएंगे कि आप अपने जीवन में मेहनत यदि ज्यादा कर रहे हैं, आर्थिक उन्नति यदि आपके जीवन में कम हो रही है, तो आर्थिक मामलों में आपको काफी उन्नति और सकारात्मकता मिलेगी। कई स्रोतों से मिथुन राशि के जातक अपने जीवन में धनार्जन करने में, धन के आयामों का निर्माण करने में सफल रहने वाले हैं। उसके साथ साथ परिवार के मामलों में भी यह समय आपके लिए खास रहेगा। परिवार के लिए भौतिक सुखों से जुड़ी हुई चीजों को यदि आप अर्जित करना चाहते हैं, उसमें आपको सफलता आसानी से देखने के लिए मिल सकती है। उसके साथ साथ मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में भौतिक सुखों से जुड़ी हुई चीजों का लाभ राहु आपको दे सकते हैं। यानी यदि आप कोई भूमि, भवन, वाहन, इन सभी चीजों को लेना चाहते हैं, इसमें आपको आसानी से सफलता मिलेगी। इन चीजों को यदि आप बेचना भी चाहते हैं तो भी आपको सफलता मिलने वाली है। राहु देव की जो नवम दृष्टि है आपके राशि के छठवें भाव पर पहुंचेगी। इसकी वजह से आपको सेहत के मामले में काफी अलर्ट होकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। इस समयावधि में तीव्र रफ्तार में वाहन चलाने से भी बचना चाहिए। भोज पदार्थों में सात्विक भोज पदार्थों का विशेष सेवन करने की आवश्यकता रहेगी। शराब, मांसाहार, धूम्रपान जैसे विषयों से अपने आप को दूरी बनाकर चलें, अन्यथा आपको गंभीर पेट जनित समस्याएं आसानी से हो सकती है। उसके साथ साथ मिथुन राशि वाले जातकों को ऐसे कार्य व्यवसाय में संलग्न जीवन में नहीं होना है जिसके बारे में आपको कोई भी अनुभव नहीं है, अन्यथा व्यर्थ के मुकदमेबाजी और व्यर्थ के फंसाव में भी आप आ सकते हैं। उसके साथ साथ मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में राहु केतु की बदल रही चाल आपको विद्यार्थी जीवन में उपलब्धियां दे सकती है। यदि आपका जुड़ाव शिक्षा के क्षेत्र में है तो यह समय आपके लिए बहुत ही खास रहने वाला है। तो अगर आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, जन्म कुंडली पर राहु जनित दुर्योग या राहु जनित यदि परेशानियां उत्पन्न होती है तो इसका शमन भी किया जा सकता है। यदि आपके जन्म कुंडली पर राहु की महादशा चल रही है तो आपको ये उपाय जरूर करने की आवश्यकता रहने वाली है। सबसे पहला, राहु केतु जनित दुष्प्रभावों को यदि आप दूर करना चाहते हैं, कुत्ते को यानी स्वान को यदि आप रोटी डालते हैं तो इससे आपको शुभता मिलने वाली है। दूसरा, सुंदर कांड या बजरंग बाण का पाठ करना काफी बेहतर है। बजरंग बाण का जो भी जातक पाठ करता है, हनुमान जी के जो जातक उपासना करता है, उसके ऊपर किसी प्रकार से राहु और केतु का बुरा प्रभाव नहीं पड़ सकता और उसे राहु केतु की नकारात्मकता कम प्राप्त होती है। उसके साथ साथ यदि आप जीवन में शुभता अर्जित करना चाहते हैं, तीसरा धार्मिक उपाय आपको यह करना है, कम से कम तीन रविवार राहु काल के समय में संध्या के समय यदि आप तेज रफ्तार में बहते हुए पानी में नारियल को प्रवाहित करते हैं और नारियल को अपने शरीर से एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टा घुमाकर यदि आप प्रवाहित करते हैं, राहु के कितना भी खराब दुष्प्रभाव या जन्म कुंडली पर काल सर्प योग या राहु जनित किसी प्रकार की नकारात्मकता बनी हुई है, उससे आपको बाहर निकलने में आसानी रहने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी मिथुन राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। साल 2023 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें, इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।